के लिए हमेशा खोले रखते थे। याद कीजिए गज़वे तबूक का मौका, कितना सख्त मौका था, कितनी ज़रूरत थी मुसलमानों को उस वक्त माल की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपील की थी बाकायदा सहाबे किराम से कि मन जहज़ा जैश अल उसरा, यानी जो इस लश्कर के सामान की तैयारी में हमारी मदद करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। सहाबे किराम ने अपने अपने तौर पर गज़वे तबूक में अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक मदद की, तआवुन किया। हज़रत अबू बकर ने अपना पूरा असासा ला के रख दिया, हज़रत उमर ने अपना आधा असासा ला के रख दिया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बेश बहा उस वक्त अतिया अता किया अल्लाह की राह में। 1000 सोने के सिक्के, 1000 अशरफियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ला के इन्होंने रख दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अशरफियों को हाथों में लेकर पलटते थे, और तिर्मिज़ी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी उन अशरफियों को उलटते पलटते थे और क्या कहते थे, आज के बाद उस्मान जो भी अमल करेगा उसको उसका कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि इनको अल्लाह के नबी ने सिर्फ जन्नती नहीं कहा बल्कि इनके बारे में ये फरमाया कि आज के बाद ये जो भी अमल करें अल्लाह तबारक व तआला इनका कुछ नुकसान नहीं करेगा, अगर ये कोई गुनाह भी करते हैं तो इनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं।